नमस्कार, आप देख रहे हैं आकलन न्यूज टीवी। आज 4 सितंबर 2023 को गोल्डन मूमेंट्स बैंक्वेट हॉल अजमल खान रोड करोल बाग में चरणजीत मल्होत्रा, जो एक समाज सेवक है, उन्होंने इको एम्बुलेंस सेवा समाज कल्याण हेतु योगदान किए। इस कार्यक्रम में भाजपा दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कपिल मिश्रा जी जो मुख्य अतिथि के रूप में रहे, दिल्ली प्रदेश महामंत्री श्री योगेंद्र चंदेलिया जी, स्वदेश चड्डा तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समाज सेवक श्री चरणजीत मल्होत्रा जी ने 2020 कोविड काल में कोरोना के समय में समाज कल्याण हेतु अनेक कार्य किए, जैसे भूखे को भोजन, मरीजों को दवाएं, कच्चा राशन, ऑक्सीजन आदि मुहैया कराना, और तो और जिनकी कोविड से इलाज के दौरान जान चली गई थी उन्हें दाह संस्कार भी किया। कोविड काल में गरीबों के लिए मसीहा बनकर उनकी मदद की। इन्होंने 5700 से ज्यादा लोगों की दाह संस्कार किए। इसी कार्य को देखते हुए उन्हें कोविड योद्धा से सम्मानित भी किया गया। तो आइए देखते हैं चरणजीत मल्होत्रा जी ने कोविड काल में क्या क्या कार्य किए और इन्होंने कोविड काल को किस तरह मजबूती से देखा, जानते हैं श्री चरणजीत मल्होत्रा जी से। Yeah.
आए हुए अतिथियों का चरणजीत मल्होत्रा जी शॉल पहनाकर सम्मान करते हुए और राजू जुनेजा जी उनको प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए एक बार जोरदार तालियां हो जाए आए हुए अतिथियों के सम्मान में। सभी जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए आए हुए अतिथियों के सम्मान में। सर ये देखिए कितनी बड़ी माला से आज ये सम्मान होने जा रहा है आज के मुख्य अतिथियों का। निशाद का है ये पुष्पहार सभी के गले में डालते हुए चरणजीत मल्होत्रा जी छोटी सी क्लिपिंग आपके समक्ष प्रस्तुत है। मल्होत्रा जी इसीलिए उनको कोरोना योद्धा कहा जाता है और ये सेवाएं उनकी निरंतर जारी उद्घाटन होने जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजती है चरणजीत मल्होत्रा जी के लिए। एक छोटी सी क्लिप उनके सेवा कार्यों की आपके समक्ष प्रस्तुत। सर्वप्रथम यहाँ पर जितने भी अतिथिगण थे श्री सुभाष सिंधिया जी मंदिर बंदे जी मंदिर जी और ये पूरे परिवार के जो स्क्रोबा के सम्मानित हो गए छाबड़ा जी टिंकू कचे जी भारती गांधी जी जुनेजा जी बीला जी मोई मेहता जी इन सबका मैं हार्दिक बंदन अभिनंदन करता हूँ। राजू करोड़ जी आप खास कर धन्यवाद। देखिए कोविड आया था चला गया ये वीडियो मैं बनाने में हमें नहीं था लेकिन माननीय अनुराग ठाकुर जी ने कहा इस वीडियो को बनाना है। मैंने पूछा क्यों कह तो सेवा करने चला गया याद नहीं आ रही लेकिन तो मेरे बच्चे याद दिलाने वाली पीढ़ियाँ उनमें जज्बा का चलेगा था कि हमारे बड़ों ने विजिट किया था ये वीडियो देख रहेंगे तो उनमें एक जोश पैदा लेगा और वो इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये वीडियो बनाई गई और ये करने वाले महादेव ने कमाने वाले महादेव मैं तो मिट्टी हूं क्योंकि तो मेरे जैसे बंदे को महादेव ने कृपा करके कहां से कहां लगा दिया और लगातार ये सेवा महादेव में आशीर्वाद चल रही है। अभी इसी कड़ी में हम सेवा करते करते महादेव ने लावारिस का समय जिम्मेदे लगाई जो 60,000 से ऊपर हो चुकी है। 80,000 पूरे वर्ल्ड से हमने सेवा शुरू करी क्योंकि जो लोग सनातनी बाहर रहते हैं वो क्या करें कि $300 देके अपने परिवार में कोई मरता तो उसकी हड्डियां पीस के अस्थियां पीस के समुद्र में डाल दें उसके जो अपने प्रियजन की जब डेथ हो जाएगी अस्थियां विसर्जन करने के बजाय पीस के डालेगा समुद्र में तो उसके प्रति क्या मन में भाव रह जाएगा ना उसके प्रति अपने माँ बाप अपना देश अपना समाज अपना हिंदुत्व कोई भी भावना उसमें नहीं रहेगी। तो इसको देखते हुए अस्थि विसर्जन की सेवा शुरू करी। आज हमारी 11वीं एम्बुलेंस है। मैंने मेरी तमन्ना भी काफी टाइम से माननीय श्री कपिल मिश्रा जी हिंदू शहर के आज से जो ये कार्य होगा तो सनातन को और शक्ति मिलेगी। मैं एक बात
विशेष तौर पे ये कार्यक्रम एम्बुलेंस संस्कार सब चलते रहे, लेकिन हमें आपसे बहुत उम्मीद है। अगर आप यहाँ पे भाजपा में इस पद पे हो तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ऊंचाइयों तक जाओ और हर हिंदू और सनातनी की उम्मीद है कि आप कुछ करके दिखाओगे। जो जोर कहिएगा, ये उम्मीद है, जानने नहीं लोगों की उम्मीद है आपसे, क्योंकि शायद आपको मालूम नहीं है कि आपके फैन फॉलोअर जितने भी खंड के आपके प्रति कितनी ईमान सम्मान और उम्मीदें हैं। अभी एक बहुत बड़ा विषय हमने महादेव जी के पास शुरू किया है, सनातन गाय और गंगा पे ही है। ये सब मानते हैं कि सनातन धर्म गाय और गंगा पे हाथ ना करेंगे। बहुत ही बड़ी शर्म की बात है कि हरिद्वार हर की पौड़ी हम अस्थ्य विसर्जन कर रहे थे, माँ गंगा के तटों की भयानक दुर्दशा, पूरा कचरा घाटों में पड़ा, हर की पौड़ी में प्याज के छिलके काट के जो गंदगी फैल रहे। और यही नहीं, हरिद्वार ऋषिकेश कई ऐसी जगह है जहां पर चार चार पांच पांच फुट के सीवर के पानी के गटर छोड़ दिए गए माँ गंगा जी के, तो माँ गंगा जी में छोड़े गए। ये बात पहले सुने गए, वो सीवर तो छोड़े गए हिंदुओं की छाती में छोड़े गए, हिंदुओं की छाती में छोड़े गए, ऊपर हिंदुओं की आस्था का धारा करके तमाचारों के मुंह पे कि तुम बोलोगे नहीं, कायर रहोगे, गंगा जी में जाके डुबकी मार के आ जाओगे स्विमिंग पूल समझ कर। पर माँ गंगा पूछेगी, भाई तुम मर गए थे, अस्थियां डालने हमारी बराबर कर हो जाएंगे ना, तो माँ गंगा पूछेगी तुम अस्थियां मांग के मेरे रोक्ष क्या अपना क्यों कर रहा है, जब मेरी छाती में गंदे डाले छोड़े गए कूड़ा फेंका गया तुम क्यों नहीं बोले। तो हर हिंदू का फर्ज है कि इस मामले में जरूर सोचे, आप हमारी आवाज बनकर भारत सरकार तक गए। हमने माननीय धामी जी को कई बार लिख लिया, कोई सुनवाई नहीं हुई, पीओ में ऑफिस में फाइल पहुंची हुई है कि हर की पौड़ी को कॉरिडोर घोषित किया जाए। मैं अगले महीने कामर मंशन पे बैठ रहा हूँ, 15 तारीख को हमारा आज सुरक्षा दिल्ली में, सुरक्षा दिल्ली पे हम डिबेट कर रहे हैं, इसमें आपको भी बुलाएंगे, भारत के जितने राष्ट्रवादी लोग हैं आगे माँ गंगा पे करें। तो आपसे यही विनती है कि हमारी आवाज हर सनातनी की आवाज भारत सरकार तक पहुंचे और जो ये हो रहा है इसमें रोक लेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, हम बात करते हैं काय माता की, जिस दिन वीरवार होगा रोटी लेके आगे भागेंगे, बाकी क्षेत्र को कूड़ा खा रही है, उसको किसी ने नहीं होना, गाय कूड़ा खा रही है। हमारे क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र है रामनगर, जहाँ के आप साहब बनाने वाले लोकसभा के रामनगर पूरे क्षेत्र में गाय मांस के चिचड़े खा रही है। हमने स्थानीय श्री अफसर डीसी को कई बार लिख लिया बोल दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसके लिए भी हमने हाईकोर्ट में भी केस लगाई है। तो ये दो बातें जो हमारे टाइम में बड़े आंदोलन करेंगे, मेरा मानना है, बाकी सुरेश चंदा जी बैठे, सुरेश जी बैठे हैं, अभी जी बैठे हैं, बंदे जी बैठे हैं, ये लड़ाई हिंदू की सनातन की एक एकजुट होगी। और मैं आपसे विनती करता हूँ, आप इसको उठाकर आपके साथ आगे बढ़े और आपके साथ आपके नेतृत्व में इस बात को उठाकर इसका हल करवाएं। ये मैं आपसे आग्रह करता हूँ, जिस दिन भारतीय को जिस सनातनी को गाय और गंगा का हल चाहिए वो जब जोरदार ताली से कपिल जी बोले ये आवाज सुनकर ये रो रहा हूं, ये दिल की पीड़ा है। हम हिंदू नहीं है जब तक गाय खाएगी, हम हिंदू नहीं है जब तक घाटों का कुछ होगा, टीके लगाना, आरती करना, तुम घर को फेंक देना, ये सनातन की गरिमा रही है। और आप राजनीतिक क्षेत्र में, हमारे राजनीतिक क्षेत्र में कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन आप चुनने के बाद हमारी उम्मीद जुट जाती थी, मैंने लेकिन मुख्यमंत्री से भी बात की, उन्होंने वोट तारीफ करिए करेंगे और आप लोग आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। जो दंगे वाला तो मालूम है ना, सबसे बड़ी भूमिका उसको हिंदुओं का सपोर्ट करने वाली कमी मिश्रा जी की थी। अगर ये ना होता ना, वहां हिंदुओं की दुर्गति क्या होती है हर भारतीय को पता है, हर दिल्ली वासी को पता है। जो ना करी वाला इस हिंदू शेर के लिए का, और सबसे ज्यादा आभार नमन अभिनंदन
मल्होत्रा जी को, मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपकी आंखों में दूसरे की पीड़ा देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए, इसका मतलब आपका ईश्वर से साक्षात्कार हो चुका है। इसका कोई और तराजू ही नहीं है। धर्म का, इंसानियत का कोई और तराजू है ही नहीं। लेकिन अगर दूसरे का दर्द है और आंसू आपकी आंखों में आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप ईश्वर आपके साथ है। और ये मैंने अभी भी देखा, मल्होत्रा जी को डॉक्यूमेंट्री देखते देखते ही उनके आंसू बह रहे हैं। साथ नहीं है ऐसे समय पे जब लोगों ने रिश्तों की मर्यादा को भी कहीं ना कहीं ताक पे रख दिया था, और मजबूरी में रखा था, किसी ने जानबूझ के नहीं रखा था। ऐसा दहशत का माहौल था, गलियों में खाली आवाज आती थी तो एम्बुलेंस के आने की आवाज आती थी। माता बहने मंदिर में बैठ के खाली अपने परिवार के, पति के, भाई के, बेटे के, बचा लो ईश्वर जगदम्बा, इसके अलावा कोई प्रार्थना नहीं निकल रही थी मुझसे। उस समय पे जो लोग सड़क पे उतरे अपने प्राणों को, और कई लोगों ने सेवा करते हुए बलिदान भी दे दिया कोरोना काल में, उस समय पे अगर कोई कर रहा हो ये वाली सेवा, अंतिम संस्कार की सेवा, ये बहुत परम सेवा है। सेवा की चरम सीमा जहां पर इंसान अपने को दांव पे लगा के खड़ा है और आसपास रोज मृत्यु होते हुए देख रहा है, उसके बाद भी सेवा कर रहा है, आप और आपकी पूरी टीम दोनों हाथ जोड़ के नमन इस सेवा भाव को, इस कर्तव्य भाव को। और उसके बाद की अभी तक भी मुझे ये बताया गया कि ग्यारहवीं एम्बुलेंस सरकारें, इसका मतलब सरकारें जो काम भी नहीं कर पा रही है, शायद जनप्रतिनिधि भी करने में उतने सक्षम ना हो, वो आप कर रहे हो, आपकी टीम कर रही है। ये अद्भुत कार्य, शानदार कार्य। और मैं आपने क्योंकि मंच से ही आह्वान किया गंगा और गाय दोनों विषयों पर, मैं आपको मन से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे, हम उस संकल्प में आपके साथ खड़े होंगे। और दोनों संकल्प ऐसे हैं जिनके बिना धर्म पूरा नहीं होता। आज के माहौल में इस बात को और भी ज्यादा ध्यान से सुनना और कहना जरूरी है। ये जो सेवा है, ये सेवा क्या है? ये सेवा ही सनातन धर्म है। यही है सनातन। सनातन मतलब जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। ये करुणा का भाव, ये हमेशा से था और हमेशा रहेगा, ये सनातन है। यही सनातन धर्म है। प्रेम का भाव, करुणा का भाव, बलिदान का भाव, त्याग का भाव, वीरता का भाव, अन्याय को देख के प्राणों की बाजी लगा के लड़ जाना, ये सनातन धर्म है। और आज तो बहुत लोगों को पेट में दर्द हो रहा है सनातन सुन सुन के। देखा आप लोगों ने, किस किस ने देखा है सनातन को गाली देने वाले लोग जो बैठे। मैं ये कहना चाहता हूं, इस मंच से कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म अगर आपको समझना हो तो हिमालय के दक्षिण में और सागर के उत्तर में जितने भी धर्म परंपराएं पैदा होंगी वो सारी सनातन है। आप किसी को उंगली लगा के नहीं कह सकते कि ये है और ये नहीं है। उसको आप हिंदू धर्म बोलो, चाहे सिख धर्म बोलो, चाहे बौद्ध धर्म बोलो, चाहे जैन धर्म बोलो, जो इस मिट्टी से निकला है ना, वो सब कुछ सनातन धर्म है। क्योंकि उसका मूल क्या है? करुणा। उसका मूल क्या है? सेवा। उसका मूल क्या है? प्रेम। उसका मूल क्या है? त्याग, बलिदान, साहस, वीरता, तेज, ओज, वो सब सनातन है। तो किसी माई के लाल की औकात में आएगा सनातन धर्म को खत्म कर सके? कर सकता है या कोई? ये इस मंच से कहना जरूरी है, क्योंकि कल जो वहां पे बोला डीएम के, स्टालिन का बेटा, उसका नाम क्या है? स्टालिन। कहां से आया नाम? नाम कहां से आया? रशिया से। नाम रशिया से, और धर्म कहां से आया? वो उसने खुद बताया है, वो रोम से। तो नाम रशिया का, धर्म रोम का, और यहां पे खड़े होकर बोल रहा है कि ये द्रविड़ संस्कृति को बचाने के लिए सनातन को खत्म करेगी। सनातन बचेगा तभी कोई भी संस्कृति बचेगी, चाहे द्रविड़ हो, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, और इस पवित्र भूमि से पैदा हुई सभी मान्यता और परंपराएं सनातन हैं और उन्हें कोई खत्म नहीं कर सकता। और आज जो लोग इस बात को बोल रहे हैं,
उनको ये पता होना चाहिए कि ऐसा सपना देखने वाले न जाने कितने आए और कितने चले गए। इस भूमि में बहती हुई नदियों ने, इस धरा के किनारे लहराते हुए सागर ने और इस हिमालय पर्वत ने ऐसे न जाने कितने अहंकारियों के साम्राज्य को मिट्टी में मिलते हुए देखा है जो सनातन को खत्म करना चाहते थे। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। और ये साहस और प्रेरणा कहां से आएगी? ये मल्होत्रा जी जैसे लोगों से आएगी जो कोरोना में स्वयं के अपने परिवार की अपने भविष्य की चिंता न करते हुए सेवा कर रहा है, वो सच्चा सनातनी है। इसीलिए ये खड़े होकर दो चार शब्द गुस्से के भी बोल देंगे तो उसको हम आशीर्वाद की तरह लेंगे, क्योंकि सनातन के लिए बोल रहे हैं। किसके लिए बोला? गंगा के लिए बोला। किसके लिए बोला? गाय के लिए बोला। अपने लिए नहीं बोला, गंगा के लिए, गाय के लिए बोला। तो बल्कि इन्होंने तो मंच की, अगर ये अकेले पे मिलते शायद इससे ज्यादा गुस्से में बोलते, क्योंकि पीड़ा को अपने अंदर महसूस कर लिया। यानी कि दर्द किसी और को है, चोट किसी और को है और दर्द ये दिल में महसूस हो रहा है। ये सनातन है, असली सनातनी की पहचान है। और इसीलिए पन्ना धाय ने अपना बेटा रख दिया, राजकुमार को बचाने के लिए अपना बेटा रख दिया। ये सनातनी है। राम, लक्ष्मण, भीम, वो दुशासन की छाती को चीर के लहू का पान करूंगा यह संकल्प ले लिया, ये भी सनातन की वीरता है। इसीलिए सनातन को छेड़ो मत, हम तुम्हें छेड़ने नहीं आ रहे, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। है मतलब सामने साथियों, हमें चिंतन करने की जरूरत है। हमारी सनातन धर्म पर जब भी यहां चाहता है, भारत के जो चार धर्मों के लोग हैं, सिख, हिंदू, बौद्ध और जैन, वो लोग सबसे आगे आके खड़ा होते हैं। मैं दो साल आपको लूंगा, जब मैं गुजरात में संघ का प्रभारी था, माननीय के सुदर्शन जी ने मुझे कहा कि मैं चाहता हूं कि आप दक्षिण गुजरात देखें, तो मुझे दक्षिण गुजरात देखने का मौका मिला। लेकिन जब बड़ौदा में मैं घूमता था तो मुझे हर जगह मुसलमानों की कमी ही नजर आती थी। मैं लोगों से पूछता था कि भाई गुजरात तो हिंदू राज्य है, हमारा प्रयोगशाला है, और ऐसा क्यों हो रहा है? तो लोगों ने कहा कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, जनता दल की गवर्नमेंट रही, तो मुसलमानों को खूब चलती थी। मैंने कहा मौका आना चाहिए। 2006 में जैसे मनु भाई चड्ढा जैसे युवा काउंसलर बने, मेरा एक शिष्य बड़ौदा में 2006 में जब मेयर बना तो मुझे उसने कहा कि मैं आपके आशीर्वाद से यहां तक पहुंचा हूं। मैंने कहा नहीं, अगर आशीर्वाद की मेरी जरूरत आपको है तो मेरा एक काम आपको करना है, उसके बाद चाहे मेयर आप बनिए या ना बनिए। उसने कहा क्या करना है मुझे आप बताइए। मैंने कहा जितने भी कब्र दिखाई दे रहे हैं, ये अनलीगल कब्र है, इन सारे कब्रों पर बुलडोजर चलना चाहिए, तब जाकर के मेरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। साथियों, हमने गृह मंत्री जी से कोई परमिशन नहीं लिया। मेयर का एक पावर होता है, कमिश्नर को बुलाया, एमसीडी के कमिश्नर को बुलाया, और ये 125 जितने भी वहां पर कब्रें थे मुसलमानों पर, सब पे बुलडोजर चलाई गई
और सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, फिर भी हमें डर नहीं हुआ। कार्य करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है पार्टियों की, सोच बदलने की जरूरत है। सनातन धर्म को लेकर आपने एक सवाल नहीं के उठा दिया कि जो भी बहन बेटी मंदिर के अंदर आए वो अपने बसों का विशेष ध्यान रखे। सर आपने जो कहा ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि आप इस बात पर कहीं ना कहीं विरोध भी हो, सवाल हुए थे। मैं अपनी बहन बेटी के अच्छे भविष्य के लिए सोच रहा हूँ, उनसे कोई गलत वाले उसके लिए सोच रहा हूँ। विरोध तो दुनिया करती है, मैं मेरी बहन बेटी के लिए सुरक्षा के लिए खड़ा हूँ, तो मैं अपनी बात पे अड़ी हूँ और जहाँ अच्छी बात है मैं जहाँ समझ जरूर कर दूँ। मल्होत्रा जी, माटी में जीव होना और एक शब्द माटी का दिया, ये कितनी बड़ी महत्ता है कि आज तक मैंने जो देखा अपनी पत्रकारिता लाइफ में किसी ने इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं किया। लेकिन आप मुझसे आप अपिंचल हैं, आप माटी हैं, आप कुछ नहीं और आप सिर्फ महत्ता के लिए आए। मरने के बाद मरने उपरांत जो संस्कार होगा तो क्या करते आप? मिट्टी माटी फिर माटी, वही पंच तत्वों में आप माटी हो गए आप। और रही बात जिस माटी से दोबारा पुनर्जन्म होगा, जो प्रकृति और साइंस भी कहती है, तो माटी क्या है? भारतवर्ष की माटी मिलेगी, तो भारतीय है, भारतीय सनातन। एक प्रसिद्ध दोहा है कि आया है तो जाएगा राजा अरुण फकीर, एक के हाथों में कई चढ़े एक गंभीर जंजी। तो सत्यों को उस कल्याण के उस दोहा को जो वर्षों सैकड़ों हजारों साल पहले लिखा गया था, उसको मल्होत्रा जी ने उस पर चार्ज कर दिया। देखिए मैं आपको फिर कहता हूँ, मल्होत्रा जी की स्थिति हमारा काम सेवा करने का है, समाज के लिए देश के लिए हमें काम करना है। हर व्यक्ति को भी अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में जहाँ देश हिंदू समाज सनातन की बात दे, गंगा की बात दे, तो देगा सनातनी देगा हिंदू, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ और जो लोग इसे लाइव देखेंगे उनसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने सनातन की रक्षा के लिए आज खड़े होंगे तो आपके आने वाली पीढ़ी आपको पूछेंगी। देखिए पशु पशु है, लेकिन ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है जिसकी ग्रंथों में शास्त्रों में गौ ग्रास पहली गौ ग्रास निकलनी है, उसके लिए हम सोच रहे थे। तो ये आप किसी और को नहीं, अपने आप को देना, ना कोई देने वाला है ना कोई लेने वाला है। ठीक है जी, हमारा मानना है करने वाले महादेव है, करने वाले महादेव है। ये प्रभु शक्ति इच्छा शक्ति तो ही पैदा करेगी कि जब आपका मन पाप पवित्र है आप कर जाएंगे। और मैं नहीं, मेरे घर पर सदियों कितने लोग आए, मैं मर जाऊंगा फिर दुनिया पूरे जाएगा कहते। मैं अपने क्षेत्र में जहाँ रहता हूँ छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, मेरा यही कहना है कि जहाँ आप रहते हो, जिस क्षेत्र में जहाँ रहते हो, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्तर पर, चाहे आप 10 रुपए का आटा ही चाहे करो चीटी को नहीं डालते, 10 रुपए की रोटी बनवा के चाहे को नहीं डालते, या आप किसी की अगर 250 रुपए की लकड़ी सरकार की होती है मान लीजिए, तो आप बात है 1 रुपए की लकड़ी लेके आते हैं, तो आप मानवता का प्रतीक है। आप काम करिए, आप जब ये सोचेंगे मैं कर रहा हूँ जहाँ मैं आई तो खत्म है।